नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर शहर में लगातार बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां कुछ सिरफिरे बदमाशों ने रात्रि के समय खड़े वाहनों में आग लगाकर फरार हो गए। फरियादियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला इंदौर के जूनी इंदौर इलाके का है, जहां सिरफिरे बदमाश ने चार गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं अग्निकांड के बाद कई रहवासी थाने पहुंचे और नाराजगी जताई। वहीं जूनी इंदौर थाने में फरियादी विनायक हरे, हेमराज खंडारे, राहुल सारवान सभी निवासी बीके हरिजन कॉलोनी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फरियादी पक्ष ने पुलिस को बताया कि उनकी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी थीं। बीती रात अज्ञात बदमाश ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ये थाना जूनी में जो है वो रात में जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है फरियादी के घर के सामने एक ऑटो खड़ा था और बाकी एक दो गाड़ियाँ और वहाँ खड़ी थी, तो उसमें आग लगाने की घटना हुई है। उसमें भी जो है वो हमको काफ़ी कुछ सूचना मिल गई है। उस आरोपी को हम लोग जल्दी ट्रेस करके और गिरफ्तार करेंगे। सर, आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए? नहीं, सीसीटीवी फुटेज उस घटनास्थल पे नहीं है। उस घटनास्थल पे सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, कोई फुटेज नहीं उपलब्ध हुआ है। लेकिन जो अन्य मोहल्ले के लोग हैं, बाकी जो अन्य कैमरे थोड़ा दूरी पर लगे हुए हैं, उन सबके आधार पर टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम।